हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय चैनल फंस गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक देसी रोज़ प्लांट की केयर के ऊपर है कि आप इसकी केयर कैसे करो, कैसे इसमें से बहुत अच्छी फ्लावरिंग लो। और पता है फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी रोज़ है ना, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जब ये बहुत ज़्यादा खिल जाता है ना मेरे टेरेस पे, तो पूरी टेरेस में इसकी खुशबू फैल जाती है और ये बिल्कुल अच्छा स्मेल करता है, बिल्कुल ही अच्छा। मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत स्वीट स्मेल आती है इसमें से और ये बहुत ही प्यारा भी दिखता है। और एक साथ जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो पूरा ये कवर कर लेता है अपने पोट को और बहुत सारे फ्लावर एक बार में आते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे प्लांट में बहुत सारे फ्लावर, हर साइज़ के फ्लावर देता है, मीडियम देता है, पर थोड़ी सी इसकी लाइफ जो होती है टाइम, वो थोड़ी कम होती है। इसके फ्लावर जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम 3 दिन तक ही जाते हैं, पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हमें इफेक्ट नहीं पड़ता। हर दिन इसमें 5-6 फ्लावर आते हैं, 6 फ्लावर हर दिन बढ़ते रहते हैं ना, इसलिए एक दो टूट भी जाते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारे प्लांट को। और ये पूरी ईयर अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि अभी विंटर आ गया है तो ये और अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें आपको हर एक साइज़ के फ्लावर मिल जाएंगे, मीडियम, ये देखो आप स्मॉल है, बिग साइज़ का भी है, बहुत सारे फ्लावर हैं इसमें, बहुत सारे मेरे डेली झड़ते भी रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें से बहुत सारे इस ब्रांचेज में थी और अभी बर्ड्स भी इसमें बहुत सारे हैं। ये देखिए बर्ड्स भी बहुत बहुत सारे बर्ड्स हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बर्ड्स, जैसे ये कल इसमें ये पूरा खिल जाएगा ये, और ये बर्ड्स रहे, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं और फ्लावर भी। अब मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब लेट्स बिगिन फ्रेंड। आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही इजी अफोर्डेबल होगा हमारे लिए और प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी और यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहला इसमें जो आपको मैं टिप बताऊंगी वो है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक का ज़रूर से ज़रूर अपने में यूज़ कीजिए। मस्टर्ड केक की वजह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है, बहुत ही अच्छी। आपको मैं भी मस्टर्ड केक दिखा देती हूँ। मस्टर्ड केक मतलब सरसों की खरी होती है, जो आप किसी भी दुकान से जाके मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगा। वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती, हमारे यहाँ तो वो 24 या 25 रुपीज़ के जी मिल जाता है, पर जितना उसका कॉस्ट कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है। वो बहुत ही फ्लावर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली रोज़ प्लांट के लिए। मैं अपने रोज़ प्लांट में बहुत उसको यूज़ करती हूँ। रुकिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसे। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह का आता है मस्टर्ड केक मार्केट में। आप इसे ऐसे तोड़ोगे तो ये बिल्कुल ईजिली ऐसे टूट जाता है, और आप इसे भी डायरेक्टली प्लांट में डाल सकते हो और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के आप डाल सकते हो। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना भी बहुत इजी होता है। आप वाटर लो, उसमें से डाल दो, 2 दिन तक रखो और उसे अच्छे से छान के अपने पौधे में डाल सकते हो। वो भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके प्लांट के लिए। और मैं तो ऐसे कभी डेली ऐसे भी डाल देती हूँ या लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी डालती हूँ, दोनों तरीके से मैं डालती रहती हूँ उसे। बहुत प्लांट बहुत हेल्दी, ग्रीन और एट्रैक्टिव दिखता है, और फ्लावर इसमें बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बिल्कुल ही अच्छी होती है और हैवी होती है। मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं, 3-4 प्लांट मैंने रखा है अपने टेरेस पे, और जो फ्लावरिंग सब में ऐसी बिल्कुल हुई है ना, तो पूरी टेरेस खुशबू, चारों तरफ से मेरे टेरेस पे खुशबू ही खुशबू है रोज़ेस की। तो आप भी ज़रूर मस्टर्ड केक का यूज़ करें अपने प्लांट में। इसकी ना जो देसी रोज़ की होती है, कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है। आप इसकी प्रॉपरली कटाई छटाई करते रहोगे ना, तो ये पूरे ईयर आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। अगर ये स्टीम्स इसके आपको फ्लावरिंग देना बंद कर दे तो आप इसकी कटाई छटाई कर दो। जैसे मैंने इसको यहाँ से, यहाँ था एक स्टीम जो उसमें फ्लावरिंग अब बंद हो गई थी, मैंने इसको काट दिया, तो अगल बगल से ये सारे स्टीम्स नए, ये सारे जो नए नए स्टीम हैं ये सब इसमें से आए और इसमें फ्लावरिंग हुई। और वैसे ही मैंने बहुत सारी कटिंग की है, आप अगर इसको ध्यान से नीचे देखोगे तो मैंने बहुत सारे ब्रांचेस की इसमें कटिंग की है और कटिंग करती रहती हूँ मैं। जैसे अब इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही तो मैं इसको भी कुछ दिन में कट कर दूँगी, तो ये अगल बगल से इसमें से बहुत सारे न्यू
स्टीम्स आ जाएंगे इसमें हैवी फ्लावरिंग के साथ, बहुत सारे बर्ड्स के साथ। बर्ड्स इसमें काफ़ी हैं। मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ जो भी, वो भी देसी वैरायटी की है, आप किसी भी साइज़ के पोट में लगा सकते हो। उसकी जो मिनिमम साइज़ की पोट होनी चाहिए 6 इंच के पोट से आप लगा सकते हो। मैं आपको एक और दिखाऊँगी जो 6 ही इंच की है, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो चलिए मैं आपको, ये तो बहुत बड़े पोट में है, वैसे ये ओल्ड प्लांट भी है मेरे गार्डन का, ये 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो भी इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल अच्छी होती है। अभी तो बहुत सारे फ्लावर आए थे इसमें, कुछ तो इसमें से झड़ गए ना, इसलिए थोड़ी अभी कम है ना, तो बहुत सारे फ्लावर्स आए थे। चारों तरफ से पूरी हैवी फ्लावरिंग हुई है इसमें, पूरी हैवी फ्लावरिंग हुई है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ, दूसरा जो प्लांट है देखिए फ्रेंड्स, वो ये रहा, वो ये प्लांट है। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और हो ही रही है लगातार। देखिए इसमें बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं उसके कंपेरिजन में। ये न्यू है, ये अभी 1 ईयर का हुआ है, पर इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। फ्लावरिंग बर्ड्स इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है इसकी। ये देखिए इसमें, देखिए झड़ रहा है ये रोज़। और ये ऐसे तो टेरेस पे बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे, रोज़ के पेटल्स कितने गिरे हुए हैं पूरे टेरेस पे मेरे। और ये झड़ता है ना, पर इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है ये प्लांट। और मैं आपको सेकंड केयर बता देती हूँ, कटाई छटाई के बारे में बता ही दिया, सनलाइट के बारे में बता देती हूँ। उसको प्रॉपर सनलाइट में रखें, अभी पूरे दिन की धूप लगने दे अपने प्लांट में, बहुत अच्छा दिखेगा, उससे ये हेल्दी रहेगा, ग्रीन रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगा। फ्रेंड्स ये रहा एक बहुत ही छोटा सा पोट में, मैंने एक डिब्बे को काट के लगा दिया था इसमें। ये देखिए ये 6 ही इंच का होगा और इसमें भी प्लांट बहुत हेल्दी दिख रहा है और इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं। मैंने इसकी फ़िलहाल बहुत जल्दी कटिंग अभी कर दी थी, तो कटिंग करने के बाद सब बर्ड्स आने शुरू हो गए इसमें, आप देख पा रहे होंगे बर्ड्स आ रहे हैं इसमें। फ्लावरिंग भी इसमें बहुत सारी हुई थी अभी फ़िलहाल, और अभी आप देख पा रहे हो एक हुआ था बड़ा सा, वो भी उसकी भी पत्तियाँ इधर उधर गिरी पड़ी हैं। बस इसमें यही है ना कि फ्लावरिंग इसे बहुत ज़्यादा आती है, बहुत जल्दी जल्दी आती है, पूरी ईयर आती है, स्मेल बहुत अच्छी आती है, बहुत स्वीट स्मेल आती है और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और वैसे मैंने एक रोज़ का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी पहले से, इसमें बहुत सारी केयरिंग टिप्स मैंने बताए हैं, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूँगी, जिसमें से आप उसे देख लेना। फ्रेंड्स तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप इस मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो कोई नहीं, आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और देसी वैरायटी की रोज़ को लगाना बिल्कुल ना भूलना। ये बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अच्छी स्मेल करती है, बहुत प्यारी दिखती है ना, तो मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूँगी कि आपके गार्डन में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे कलर वैरायटी आपको इसमें से मिल जाएगी। नर्सरी में वाइट भी आता, पिंक भी आता, इसमें डार्क रेड भी आता, और ये कलर भी आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी सी रानी कलर का रोज़ है, बहुत प्यारा दिखता है। और चलिए फ्रेंड्स तो अपने वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पौधे के साथ फिर मिलेंगे अच्छी केयरिंग टिप्स के साथ। बाय बाय।